डेट और टाइम को लेकिन तुम मन में डर बसा कहीं बांधि से डेट और टाइम ले तुम किसी अपराध कर ना तो जहाँ पर्दाफाश हो जाओ तुम एम डर अरे से तो ये भूत प्रेत कहानी सब तुम मन को चली आस से दिन बहुत बड़ अपराध कर थी ले ये बहुत बड़ अपराध दी जन निरीह लोकों पाखर तक जीवन छड़े नहीं थी ले दी जन छोट छोट झी ए दुनिया को भल भाव बुझे आगर तक अनाथ कर दे थी ले ये पाप कर थी ले ये से दिन सानमा से तारीख रे आउ से समय रे बहुत बड़ पाप कर थी ले ये अरे तुम किसी कहुना कहीं कोड़े वर्ष ते से तारीख आ समय तुम कौन कर घंटे से दिन तारीख आ समय तुमको कहीं देखा कह घंटे से दिन तारीख आ समय कहीं देखा से कथा मु तुमको कहूँ शुण थारे पीबा आरंभ कर देलोनी आउ एमिति जदि मद पीबो तमो मुंडा खराब होबनी त कण आम मानकर मुंडा खराब होबो म मुंडा खराब हेनी जानिनी जबा खराब हेनी मु पीथले भी मु एकदम होश रे छली पूरा पूरी होश रे मते मते बुझिया को काहे की चेष्टा करनो सालेनी काहे की जदि मु बुझिबा को चेष्टा करूनी ता माने मोर अबुझा रहउछि जदि मोर अबुझा रोज अरे तमें मत बुझे दौन कहीं हाँ घंटे से समय आ तारीख को लेकिन तुम मन में भय कौन कहीं से आत्मा को डर आई कह से आत्मा फेरी आसी तुमको मारिदेवाई कौन से तारीख आ समय तुम्हें कहार खून कर दे कथा बाहुनी पड़ी गला पटरी ताला देख बहुत है गला तमरो नाटक सब मत जो आज आम एनिवर्सरी आज भली दिन में मत पी एम पगल भाई हुए लोके आम उपरे हसबे अरे निज कथा नहला ना तो मो मान मर्यादा कथा टिके चिंता कर कोड़े वर्ष तर से तारीख से समय कौन होता से कथा तुमको केमी कह सी किंतु इतनी तो निश्चय कह घंटे जहाँ देख ली तो केवे भी मो आखिर भ्रम हो न पारे जहाँ हूँ से सब सत हो किंतु किए करूब कहीं कर आपणक डर ही प्रमाण करदेला जे आपण अतीत रे बहुत बड़ अपराध कर कोड़े वर्ष तलर से समय आई तारीख में आप कौन कौन कर बार बार थर पचारापर भी आप चुप रही माने कौन हो पारे से तारीख आई समय को आपणकर एते भय कहीं आपण ही मो माँ बापा अपराधी आपण ही तांकर खुनी एबे आपणको आपणको कृतकर्मर सजा निश्चय मिलिबो सान बापा न्याय अन्यायर एई धर्म युद्धरे मो सहित के ठिया हुवंतु कि न हुवंतु मु किंतु मो माँ बापांकु निश्चय न्याय देबी निश्चय
and it's final. सेथि पाई पछे जहा भी हे जन कहि मु आज ही आपण को अपराध रो पर्दाफाश करबी. आपण को डर ही आपण को अपराध रो प्रमाण दबो. आउ आपण निजे खुनी बोली समस्त को सामने रे आपण निज मुह रे ही स्वीकार करबी. बाबा माँ को न्याय देवा पे तू आज निश्चय किछ ना किछ गोटे बहुत बड़ा प्लान रेडी करिक रखिछु जहाँ आज समस्त बहुत बड़ा सरप्राइज किंतु मु भी तो पाई गोटे बहुत बड़ा सरप्राइज रेडी करिक रखिछु आत्या. जो मुहूर्त तू बाबा माँ को असल खुनी को आणिकी समस्त सामने प्रमाण सहित ठिया करेबु ठीक से समय मु तते आ पूरा पटनायक परिवार को देबी ताठ बड़ा उपाय माने बिग सरप्राइज सेते बड़े खेली भी मो पाच माय मास्टर स्ट्रोक. अरे भविष्यवाणी गुरुजी करी छथि आ तो पई सेटा सत प्रमाणित करबी मो तते घरर विनाशकारी बने देबी आद्या विनाशकारी आंस को पाइबा को हेले मोर ए स्वार्थ मेध यज्ञ रे तते मु आज बळी पकई देबे बळी. जस्ट वेट एंड वॉच. सुनो ए सब कोल्ड ड्रिंक्स कार्टून को लेके किचन रे दायित्व रे रखिबो बुझिलो जाओ. अरे तमे मते एमते चाहे कि रहलो कोन पई जाओ. तमो पई तमो पई सरप्राइज इंग्लिश मैडम इनियो तमरो फेवरेट रसमलाई. इमा रसमलाई हां इंग्लिश मैडम गेस्ट मानक पई रेडी करथुली भाबिली तमु काडी गोटे चखै देबी नियो. नाही थाउ एबे रसमलाई खाया पे मोर जमा भी इच्छा नहीं. इंग्लिश मैडम कौन है इंग्लिश मैडम ए टिक्के आगर तो तुम खुशी रे पूरा नाची उठुदुल एबे पुनी तमरो कौन है जी. सेते बेले मु खुशी थिली कारण मो ऑन्स भाई आ आद्या भौजों को भलो पाइबा देखी किंतु एबे एबे मते आद्या भौजों को पाई बहुत चिंता लागुची. गुरुजी सेते बेले आद्या भौजों को बिषय रे जहा सब भविष्यवाणी कले सही कथा भाभी मते बहुत चिंता लागु छे. सौभाग्य सी जहा कहले तमे तांको कथा भूली जाओ इंग्लिश मैडम जे जहा कहले भी मो आद्या दीदी केबे का पई विनाशकारी हेई परिबोनी बरंग से भाई को पई आ ये घर पई शुभ तमे देखिलोनी दीदीटा विपद रूप दीदी केमति भाई को उद्धार कर सलेनी तेनो जे अन्य को विपद रूप उद्धार करे सी कोन केबे कार विनाशकारी हेई परिबो. से कथा ठीक जे किंतु से गुरुजी जणे बड़ सिद्ध साधक जनक चेहरा देखे ता भविष्य विषय से जल जल जानी परंती आउ लोक माने कहते जे से जहा कहते सब अक्षरे अक्षरे सत होता है तेणु से आद्या भाउज विषय जहाँ सब भविष्यवाणी कले से कथा जमी सत न हो जाओ मत बहुत डर लगुच. सौभाग्य घर एवं समस्त आद्या भाउज को केमी गोटे आड़ आखिरे देखिले इंग्लीश मैडम जदि गुरुजी कथा सत हुए ताहले भी आद्या दीदी पाखे एमती शक्ति अच्छी जे खाली तो भाग्य भविष्य तो कहीं पूरा दुनिया को से ओलट पलट करदब. हाँ नि चिंता न करी रसमलई खाओ नि. अरे नियो टिके धर आगे चाक तुमको केमी लगुच सौभाग्य ये तो बहुत बढ़िया है जी. सब दिन एमिति मीठा देरी करी कि मु तुमको खाइबा को देबी इंग्लिश मैडम देखिबो केते मजा आसी जीवो.
ଭାବି ନିଅ ନା ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ତରଫରୁ। मो जासूसी नजर रे चार को आखि बुले नहीं आई ना निर धर धर सौभाग्य हाँ कह नाई मैंने कौन कहती कि जदि मो जत करी एमती भविष्यवाणी बाहर ताहले तुम्हें कौन कर तो केवल तुम पसंद रही जीवा को मरवा को पसंद करी इंग्लिश मैडम पचे तुमको मु मरीजी किंतु तुमको छाड़ी मु बची पार तुम्हें देख इंग्लिश मैडम दिन आसब ए घर थी हाउ ये यही पचीस तम आनिवर्सरी मनवा हतु आमर कोड़े बैस बस भेडा भेडा पिला माने भी सारी थे कि मम सीना आम बाहर पर राजी हेले आम यू करता बाहर कर सारी इंग्लीश मैडम कौन है रास्ता बाहर कर सारी कि रास्ता नि तमें रसमल खाऊ था मु तुमको रास्ता कह ची धर मु भाभी मु रास्ता कड़े गोटे ढाबा खोल लोक मान खाइबा बनईबी देख बढ़िया बढ़िया डिश बनईबी मुझे लोक मान दस टंका क्या पचास टंका एमती लाभ रखी हाउ तुम देख इंग्लीश मैडम लोक टेस्टी टेस्टी डिश खाइबापी देख कमी पिंपुड़ी भाया धाड़ी लगे लोकंर जी जी भिड़ जमीब से अनुसार मोर हजार कोड़े हजार पचास हजार कोटे एमती खाली लाभ ही चलो आपर मुकी मोटार सुना चेन बेकर पकेबी इंग्लीश मैडम देख पूरा कोटिपति आतीक बेले सानमा तुम सहित मो बाघर करने बाध्य केमी लगे मो प्लान इंग्लीश मैडम तुम्हें जदि एमती कम कर ताले आम पचीसतम एनिवर्सरी पचास वर्ष पर पड़ बुझल ओला बोका मेंटल चोर इंग्लिश मैडम ये पचीस पचास इंग्लिश मैडम कौन कह गले मो मुंडे कौन पशुची पिला बेले यदि गणित भल पढ़ी था कौन गोटे झील तुम पु आउ तुम परिवार रो विनाशर कारण हबो आगे पाई ए घरे खुशी आसी छी आ मो पोर जीवन बंची छी मु केबे मिछो को एनी लेखा मु ए कथा कहिली माने एटा ही सत्य हबो कोन करछ एठी मेखा इवनिंग अरेंजमेंट सब केते बाट गला राघव कहीं जानी गुरुजी भविष्यवाणी कथा शुणी मत बहुत डर लगुच तमें एपर्यंत गुरुजी कथा नहीं टेंशन कौन करी कह एपटे मो पर मो मो घर विषय चिंता कला बेलू सेपटे आध्या ना से भविष्यवाणी शुणी मो मुंड बुले दौ एक कथा को नहीं केमिति चिंता करिबिनि कहला गुरुजी कहले आद्या मो परिवार आ मो पुअर विनाशकारी हबो ये कौन गोटे छोटिया कथा हाँ तमें कह ता सांगे पुणी गुरुजी को सामना रे आद्यार जो हरकत से कथा भाबिला बळकु मते तो ता उपरे बेसी राग लागुचि केते अनुरोध करिके मु गुरुजी को घर को डाकि के आनीथिली किंतु आद्या आद्या तांको मुह उपर जो भलिया जवाब देला गुरुजी अशांत हो किठ चली गले मुझे विपदर प्रतिकार भी पचारि पारलिनि मेघा सत कहिले मते भी लागुचे गुरुजी को भविष्यवाणी मिछ आ बाकी रहिला गुरुजी को आद्या जो भली कथा कहिला ताकु नहीं तुम राग
ଦେଖ ମେଘା, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି, ସେ କଥା ମୋତେ ବି ଲାଗୁନି। ସେ କେବଳ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ କଥା କହିଛି। ସେଇ ତ ଭୁଲ କଲା ଆଦ୍ୟା। ଆରେ ସେ ତା ନିଜ କଥାକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଟିକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେ କହିଗଲା। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା? କୁହ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯଦି ଗୁରୁଜୀ ରାଗରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ? ମୁଁ ବାର ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲାନି। ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲକୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲ କହିଦବା ଉଚିତ ମେଘା। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଖରାପ ଭାବିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ ବି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଆଉ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ତମେ ମିଛ ବୋଲି କହୁଛ? ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାକୁ କେହି ବି ଠିକ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ପୁଣି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଆଉ ପୁଣି ଆଦ୍ୟା ଆମ ଘରେ ଏତେ ଦିନ ରହିବା ପରେ ବି ସିଏ ଆମ ପରିବାରର ବିନାଶକାରୀ ହେବ, ଏକଥା ତମେ ଭାବିପାରୁଛ କେମିତି? ସିଏ ଅଂଶ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ସେସବୁ କ'ଣ ତୁମେ ଭୁଲି ସାରିଲଣି? ମେଘା, ଆଜି ଯଦି ଅଂଶର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିଛି, ତାହା କେବଳ ଆଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ତମର ମନେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଅଂଶର କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ଓକିଲ ମିଳିଲେନି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଆଦ୍ୟା? ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ଅଂଶ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅଂଶର ଜୀବନ କେମିତି ଫେରି ଆଣିଥିଲା ସିଏ? ଆଉ ସେଇଭଳି ଝିଅକୁ ତମେ ଅଂଶର ଆଉ ଆମ ପରିବାରର ବିନାଶକାରୀ ଭାବିବ? କିନ୍ତୁ ରାଘବ, ତମେ ତ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ସେ କେତେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେବେ ବି ମିଛ ହେଇନି। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନ ଚାହିଁକି ବି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛି। ନା କୋଉଠି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରୁଛି, ନା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି। ଆଦ୍ୟା ଉପରେ ରାଗି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଆଦ୍ୟାକୁ ଲାଗୁଛି ନା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମିଛ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଦ୍ୟା ଉପରେ ଆହୁରି ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆଦ୍ୟା ସେତେବେଳେ କିଛି କହିନଥାନ୍ତା, ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୁରୁଜୀ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରତିକାର କହିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମେଘା, ତମେ ବେକାରଟାରେ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ହୁଏତ ଗୁରୁଜୀ ଆଦ୍ୟର ଭାଗ୍ୟରେଖାକୁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ମେଘା, ତମର ଏକଥା ହିଁ ମନେଥିବ, ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତାହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରତିକାର କଥା ପଚାରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଦେଖ ମେଘା, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ତାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ବଦଳେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ ଆଉ ଆଜି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନିଜ ମନକୁ ଖୁସି ରଖ। କାରଣ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଉଦାସ ରହିବ ତାହେଲେ ଘରେ କେହି ଖୁସି ହେଇପାରିବେନି, ଆଉ କାହାରି ଓଠରେ ବି ହସ ଆସିବନି। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ମୋତେ ଆଗ କୁହ, ଆଜି ରାଜନ ଆଉ ଶାଲିନୀଙ୍କ 25ତମ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା? ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବିନି, କିଛି ଠିକ୍ କରିନି। ତ ଠିକ୍ କର, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ। ତମେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ରାଘବ, ତମେ ସିନା ପରିବାର କଥା ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ରହିଯାଇପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଆଜି ଯାଏ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ହେଇ ମୋ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି, ମୋ ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ଏସବୁକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିକି ରହିପାରିବି କେମିତି? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି। ଯଦି ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି,
ताले आद्या पाई मो मन रे हजार प्रश्न छिड़ा होची किंतु मु गोटे कथा बुझी पारुनी आद्या आद्या हे परिवार रो आउ अंश रो विनाश रो कारण हबो काहे कि आउ केमिति आज एते बड़ गोटे खुशी रो दिन रे मो मां बापा को न्याय दबा पाई मु एते बड़ गोटे निष्पत्ति नेबा को चाहूची किंतु या परे मो परिवार आउ अंश को मन रे मो प्रति के भावना आसीबो से कथा तो मु गोटे मुहूर्त पाई भी चिंता करिनी आज सत समस्त सामना को आसीबा परे कोन से माने मते सपोर्ट करिवे कोन आगो भळे मते से माने आपणी नेबे कोन सबो किछि आगो भळे जेमती चलथिला ठीक सेमती चलिबो काहेकि केजाणी मते भारी व्यस्त लागुछि खास करके गुरुजी आसीबा परे जेतेबेले मते वंशर विनाशकारी बोली कहिले माँ तो मो परे पूरा पूरी रागी जाइछंती आ ए भली गोटे समय रे मोर एमिते गोटे निष्पत्ति आगो को कौन हबो के जाने आगो को जहाँ भी हूँ ना कहेंगे मो किंतु ए परिवार आम अंश को पाखरु दूरे रहबे पे केबे भी चाहिबिनि हंस केते भल पाउछंती मते किंतु असल खुनी आज समस्त सामना को आसीबा परे से कौन मत से भल पाइबे यार उत्तर केवल मत अंश ही दे पारे हाँ मत अंश सहित कथा हाँ पड़ो अरे भाई मत आज सबूक बुके पूरा फ्रेश दरकार आ सबूक जमी टाइम पूर्व आज पहुँची एमती न होता जमी पार्टी आरंभ हो मो हाथ पूरा फांका थी हाँ 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 मो भाईटा पूरा प्लीज टे जल्दी आनी पहुँचे थी हाँ भल भाव भाभी ने आद्या एमती न हो कि अंश तो कथा शुणी तो नाराज न हो जा